हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अथर हाजिर हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है स्नीजिंग ड्यू टू कोल्ड एलर्जी। यानी कि आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जिन लोगों को हर वक्त छींकें आती रहती हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, है ना, और वो उनकी छींकें रुकती ही नहीं है, कितना भी इलाज करा लें वो ठीक ही नहीं होते हैं, है ना। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, जो ये जो छींके आना होता है, जिसे एलर्जिक राइनाइटिस भी बोलते हैं, इसके कई फैक्टर होते हैं, है ना। जो हमारी नाक के अंदर की जो ये अंदर की जो झिल्ली होती है, म्यूकोजा जिसे बोलते हैं, उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाता है, वो सेंसिटिव हो जाती है, उसकी वजह से भी जो है छींके आती हैं। या किसी किसी को ये देखा गया है कि हमारी माताएं बहनें हुई या यंग एज ग्रुप के हमारे कुछ स्टूडेंट हुए, तो जो धूल के कांटेक्ट में आते हैं, है ना, तो उससे भी जो है वो बहुत ज्यादा छींके आती हैं। या कोई सफाई कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, या घर की डस्टिंग कर रहा है, उसकी वजह से जो है वो जो है डस्ट पार्टिकल्स नाक में चले जाते हैं और फौरन छींके शुरू हो जाती है। एक तो ये चीज हो गई। एक चीज हो गई, देखिए, जिन लोगों को छींकें आती हैं, देखा ये गया है कि वो जब कभी भी कोई ठंडी चीज खाते हैं, जैसे ठंडा पानी पी लिया, या केला खा लिया उन्होंने, या आइसक्रीम खा ली, या कोई भी ऐसी ठंडी चीज खाने, तो उसकी वजह से भी उनको ज्यादा छींकें आती हैं। एक देखिए एनवायरमेंटल फैक्टर भी होता है। जैसे अब ये नवंबर का महीना चल रहा है और इसमें मौसम ठंडा होने लगा, तो हवा ठंडी हो गई, और जो लोग कपड़े कम पहनते हैं ना, जिन लोगों को एलर्जी है, तो उनको भी फिर छींके शुरू हो जाती है। तो एक ये एनवायरमेंटल जो है फैक्टर भी होता है। अब इसी मौसम में अगर जिन लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम है, अगर वो ठंडी चीज खा लें, जैसे केला मैंने बताया खा लिया, दही खा लिया उन्होंने, या किसी चीज में बर्फ पड़ा हुआ है वो खा लिया, तो कोई ऐसे फल साइट्रिक फ्रूट्स हैं वो उन्होंने खा लिए, तब भी जो है छींके आने लगती हैं। या कम तेज ठंडे ठंड के अंदर कम गर्म कपड़े पहन रहे हैं, तो उन लोगों को भी ज्यादा छींके आती हैं। अब ऐसे लोग, जिन लोगों को जो सेंसिटिव हो गए हैं, जिनकी म्यूकस मेम्ब्रेन नाक की जो है वो सेंसिटिव हो गई है, उनको क्या करना है? देखिए, उनको जो है वो कॉस जो है वो अवॉइड करना है, जिसकी वजह से जो है वो एलर्जी आ रही है। पहला कॉस क्या है? उनको जो है धूल से बचना है ना। जब धूल से बचे रहेंगे, धूल का इन्हेलेशन नहीं होगा, धूल अंदर नहीं जाएगी, तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है नाक की, वहां इरिटेशन नहीं होगा, तो छींके नहीं आएंगी। दूसरी बात जो है वो ठंडी चीजों से बचना है। ठंडी चीजें जो है वो नहीं खानी है ऐसे लोगों को, जिसकी वजह से जो वो ट्रिगर होता है और वो फैक्टर होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तीसरी चीज ये है कि अच्छी तरीके से जो है वो क्लोथिंग करनी है, कई लेयर की जो है कपड़े पहनने उनको, जिससे जो है हवा का असर बॉडी पे ना हो और छींके ना आए। अब जैसे सर्दी आ गई है ज्यादा है, तो कानों को ढक के रखना है ना, और जो है वो धूप में जरूर खड़े हों। कोल्ड एलर्जी वाले जो पेशेंट हैं, वो सुबह की धूप में या दोपहर की धूप में 5 मिनट 10 मिनट जरूर सूरज ऐसे करके, सूरज की तरफ अपना फेस करके खड़े हों, तो डायरेक्ट सनलाइट से क्या होता है, सिकाई होती है, तो उससे भी कोल्ड एलर्जी को बहुत ज्यादा फायदा होता है। वो लोग चाय ज्यादा पिए, है ना, पानी पिए तो गुनगुना पिए, चाय सुबह पी लें दोपहर शाम, या दूध में पत्ती लगा के वो लें, या कॉफी पिए, तो उनको बहुत ये फायदा होता है। अब दालों के अंदर अगर खाना है कोल्ड एलर्जी वालों को, तो मूंग मसूर की दाल खाएं तो वो लेते हैं, या चिकन सूप जो है वो बहुत फायदा करता है कोल्ड एलर्जी वालों को। और अगर जो लोग अंडा खा सकते हैं, वो तो सुबह को अंडा खाएं, तो उससे भी जो है बहुत फायदा होता है। तो मैंने आपको बता दी सारी बातें। अब जो है मैं एक ऐसी हर्बल मेडिसिन आपको बता रहा हूँ, जो कोल्ड एलर्जी वाले पेशेंट है वो कुछ दिनों अगर खा लेंगे तो उनकी छींकें हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। एक हिमालय कंपनी की टेबलेट आती है लहसुना नाम से, ठीक है, सुबह को आप जो है नाश्ता करने के बाद 9-10 बजे के टाइम में एक टेबलेट गुनगुने पानी से खा लिया करें। ज्यादा छींकें हैं तो पहले कुछ दिन 4-6 दिन एक टेबलेट सुबह एक टेबलेट शाम खा लें, और फिर जो है एक टेबलेट रोज सुबह को नाश्ता करने के बाद वो खा लें। कितने दिन खाने हैं वो खा लें, 15 दिन 20 दिन 1 महीना, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये एक
देखिए लहसुन का टेबलेट बनती का ऐसे ही, लहसुन का जो एक्सट्रैक्ट होता है ना उससे बनती है। लहसुन तो हम खा नहीं पाते हैं, लहसुन की कलियां बहुत जो है उसमें तीखी बास आती है, तो अब कंपनी ने ये करा है कि उसका जो है एक्सट्रैक्ट निकाल के टैबलेट है, टैबलेट आप लीजिए गुनगुने पानी से आप ले लीजिएगा। देखिए इस चीज़ का बस एक ही साइड इफेक्ट हो सकता है, अगर ज़्यादा आप ज़्यादा डोज में लेंगे तो थोड़ी बहुत हल्की सी खुजली हो सकती है, और अगर आप एक टैबलेट रोज लेते रहेंगे तो कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, और आपकी छींकें भी, क्योंकि लहसुन गर्म होता है और जो जिन लोगों को छींक आती है वो ठंडे मिजाज के लोग होते हैं, तो जो है वो बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। लहसुन देखिए एंटीबायोटिक भी होता है ना, और भी बहुत बॉडी को फायदा पहुंचाता है। तो जो छींकें जिन लोगों को आती है और वो दवाई खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो ये हर्बल मेडिसिन लीजिए, एक टैबलेट रोज लीजिए, आप सर्दियों में लेते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ओवरडोजिंग नहीं करनी है, तो उससे आपकी छींकें ठीक हो जाएंगी, आपकी परेशानी भी ठीक हो जाएगी, आपको नज़ला जुकाम भी नहीं होगा और आप फिट रहेंगे, और जो चेस्ट की जो समस्याएं हैं नज़ला जुकाम खांसी कफ ये उसको भी ठीक कर देगी गोली। तो उम्मीद है आपने आज इस बारे में जाना होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे मेरी नई नई वीडियो में, और आप ऐसी सपोर्ट करते रहिए। अब मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।